गाइज, तो हर दिन की तरह आशा लेके निकल चुकी हूँ एमएमए क्लासेस की। मैं पतली होके रहूंगी, कुछ पॉइंट्स, कुछ केजी और कुछ इंचेस तो घटा के रहूंगी। तो मैं यहाँ पहुंच चुकी हूँ, मुस्कुराती हुई मेरी टीचर। बॉक्सिंग क्लास तो मुझसे उठाई नहीं जा रहे, मैं क्या ही खाक बॉक्सिंग करूंगी। और सर यहाँ मेरा वर्कआउट लेते हुए, नहीं सॉरी गाइज, सर मेरा वर्कआउट लेते नहीं है, सर मेरी जान ले लेते हैं गाइज, बहुत अच्छे से। वैसे एक्टर होना भी ना कमाल की चीज है, आप ना बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, लेकिन सारी चीजें मैं जो सीखती हूँ उसमें मैं यही देखती हूँ कि मैं पतली कैसे हो पाऊंगी गाइज। वैसे एक्टर होने के डिसएडवांटेजेस भी हैं गाइज, क्योंकि आपको, अगर आप बहुत ही ज्यादा खाऊ लड़की हैं, खाऊ लड़के हैं, तो आपको पतला होना इट्स अ नेसेसिटी, क्योंकि जो मोटे लड़के और मोटी लड़कियां होती हैं गाइज, उनको ना हीरो हीरोइन कोई बनाता नहीं, उनको बनाया जाता है हीरो हीरोइन के भाई या बहन। इससे सर मेरे को मार मार के मेरे एप्स निकाल रहे हैं जो इतने सालों में कभी नहीं आए हैं गाइज। उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसलिए मैं भी यही उम्मीद ला के रहती हूँ कि किस दिन एकता कपूर जी के पंडित और मेरे सितारे मिले और वो मुझे फाइनल करें, और किस दिन मैं रातों रात हीरोइन बन जाऊँ। मेरी उम्मीद तो कायम है, और आपको भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।